अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। सो आज हम एक्सपीरियंस करने बैठे दोबारा, पहले तो हमने जो है चिकन रोल बनाए थे, तो जो पट्टियाँ थी हमने बाहर से मंगवाई थी, आज जो है हमने घर में ही सब कुछ किया। ये रहा इसका बैटर जो हमने मैदे से बना के रखा था, सही है, इसको 30 मिनट्स के लिए हमने रख दिया था। और ये जो है अभी हम इसको बेल के रख रहे हैं, दो रोल बन चुके हैं। स्टफिंग हमने पहले ही बना के रख दी थी चिकन की, जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। और ये देखें, यहाँ आंटी बेल रही हैं इसको। और इसमें हमारे साथ एक सीन ये हुआ कि हमने 4 लेयर बनाई और उन्होंने कहा कि तवे पे जो है इसको थोड़ा सा वो करना है, तो मुझसे थोड़ा सा ओवर कुक हो गई, जो टूट गए ना वो रही। तो आंटी इनका ज़्यादा नहीं करना, बस अब इसको डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, हम तवे पे नहीं रखते क्योंकि टूट रही हैं ये पूरी ना रोटी बेल गई मुझसे, शोरमा बन गया इसका। तो बस ये देखें इसका ये इस तरह के, अभी इसकी जगह हम परिंदों को डालेंगे। हाँ, दो रोल हमने बना दी हैं, फिलिंग तो आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और जब फ्राई करेंगे तब भी दिखाएंगे। और आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, इफ्तार में जस्ट रोल, फ्रूट चाट और जो है खाना बनाएंगे बस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। और आज हम उर्दू में अगर हम बताएँ, अजवा पीछे हटो, तो मेरी जो है क्या दादी सास कह सकते हैं आप, तो वह हैं और अम्मा हैं हमारी और अंकल जी जो है जी, ये मेरी सास की सास है और ये हमारी जो है पर सासुरी। सो बच्चे उनके साथ बहुत मतलब अटैच हैं, एक्चुअली वो गांव गई हुई थी, उनकी नवासी की शादी थी। सो वो जो है आज मतलब 2-3 दिन पहले आई, तो वो हमसे मिलने लाजमी आती हैं। सो बच्चे जो है फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उनकी, और आज वो हमारे साथ पूरा दिन गुजारेंगी और आपको पूरे ब्लॉग में नज़र आएंगी। और बस जो है अब ये क्या आप समोसे बना रहे? हाँ, समोसे तो बनेंगे ना यहाँ से इसे। हाँ, सो ये समोसे भी कर रहे हैं हम लोग, एक्सपीरियंस घर में ही सारा कर रहे हैं। इसको क्लीन करेंगे यहाँ से, वो लगाएंगे ये वाला। हाँ, और आज पुलाव बनाते हैं सिंपल, बहुत खा लिया गोश्त वाला चिकन का पुलाव बनाएंगे सिंपल सा, जैसे कि आपके साथ पहले भी रेसिपीज हमने बहुत दफ़ा शेयर की हैं। ना मैं हो जीरा, इसमें जीरा अच्छा। यहाँ पर कुछ हमने रोल बना लिए हैं और कुछ समोसे बना लिए हैं, और बेबी अब कुछ बना रही है और अभी कुछ बन रही है। और 6:30 हो गए शाम के, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और यहाँ पर जो हमने समोसे और रोल बनाए थे वो फ्राई हो रहे हैं। और आज जो है मेरी नंद और मेरी सास आई हुई है, जो मेरी फूफी भी है, मैं बेबी की सास हूँ और मेरी सास और है। आंटी चले जी, ये रोटी के बाद हम बताएंगे कि कैसे बने थे समोसे और ये रोल, अच्छे बने तब भी बताएंगे, अगर ख़ास नहीं बने तब भी बताएंगे। यहाँ पर समोसे रेडी हो गए हैं और अजवा ने जो है ये जो है अपने लिए पर्स बनाया था, ये पर्स है अजवा का, बच्चे हैं क्या करें, ये घर से ही खेलते रहते हैं इन चीज़ों से। और यहाँ पर ये जो है ये रोल है, पर आज जो है हमने किया है खाना, पुलाव बनाया है। इसी वजह से और दूसरी चीज़ें जो रिफ्रेशमेंट है वो हमने कम रखी है, बल्कि थोड़ी की है बस, क्योंकि ये नमाज पढ़ के फिर ये पुलाव खाएंगे। तो ये अजवा का कोई फूल अजवा ने बनाया है, वो पक रहा है या फ्राई हो रहा है। और ये है सामने बैठी हुई मेरी नंद है, और उसके बाद मेरी सास बैठी हुई है, फिर मेरी सिस्टर बड़ी वो बैठी हुई है,
और अभी रोज़े खुलने का टाइम है तो उसी के वेट में बैठे हुए हैं और दस्तरखान भी हमने लगा दिया है। लेकिन मेरी जो सास पप्पू है उसने कहा कि मुझे जो है यहाँ पर दे दे, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो इसीलिए उनके लिए हमने यहाँ पर टेबल पर ही लगा दिया था। और उसके बाद खाना पीना हो गया और खाने पीने के बाद अब है ये हम चाय पी रहे हैं और मेरे देवर भी आ गए हैं मेरी सास को लेने के लिए। यहाँ थोड़ी सी हम गपशप कर रहे हैं बैठकर और समोसे बहुत ही टेस्टी बने थे जो मैंने कहा था कि बताएंगे आपको। तो फिर इसी के साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम वीडियो को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद करें। अल्लाह हाफिज़।